हेलो, कैसे हैं आप लोग? क्या आप जानते हैं कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 में हुआ था। वह अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला थी। 1997 में कल्पना चावला ने पहली अंतरिक्ष यात्रा की, जिस समय वह स्पेस शटल कोलंबिया में थी। उस समय उन्होंने एक प्राइमरी रोबोटिक आर्म ऑपरेटर और मिशन स्पेशलिस्ट का कार्य किया था। कल्पना चावला की मृत्यु 2003 में हुई थी। इस दुर्घटना में अन्य 6 लोगों की भी मृत्यु हो गई थी। कल्पना चावला ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा टैगोर बालनिकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल करनाल से की थी और उन्होंने अपनी स्नातक की शिक्षा 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर पूरी की। 1982 में वह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका चली गई। वहां जाकर उन्होंने 1984 में अर्लिंगटन में टेक्सास विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री हासिल की। कल्पना चावला को बचपन से ही अंतरिक्ष यात्री बनने का मन था। उन्होंने इसी अनुसार शिक्षा ग्रहण की थी। 1988 में उन्होंने अपनी पीएचडी की शिक्षा बोल्डर में कोलोराडो विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पूरी की थी। कल्पना चावला ने 1988 में नासा में कार्य करना शुरू किया। जब कल्पना चावला नासा में उपाध्यक्ष बनी तो उनकी जिम्मेदारी वर्टिकल लघु टेक ऑफ और लैंडिंग अवधारणों पर कम्प्यूटेशनल द्रव्य डायनेमिक्स CFD अनुसंधान करना था। चावला एक सुलझी हुई महिला थी। उन्हें एक कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिला हुआ था, जिसके अंतर्गत उन्हें सीप्लेन, मल्टी इंजन एयरप्लेन और ग्लाइडर चलाने की अनुमति प्राप्त थी। चावला नासा की कार्प थी। उन्हें 1991 में अमेरिका की नागरिकता भी मिल गई थी। उन्हें कई पुरस्कार मिले और नासा का विशिष्ट सेवा पदक भी प्राप्त हुआ।